कपूरथला नगर निगम बनिया सियासी अखाड़ा, कांग्रेसी कौंसलरां ते कमिश्नर विचकार खड़की, कौंसलरां ने लाए वितकरेबाजी दे आरोप। सत श्री अकाल जी, मैं हां बिक्रमजीत सिंह ते तुसी देख रहे हो दद्दा टीवी NRI। नगर निगम कपूरथला दे दफ्तर विच एतवार नू खूब हंगामा देखण नू मिलिया। नगर निगम कपूरथला वालों स्वच्छ भारत मिशन ते इक कार रैली दा आयोजन कीता जाना सी, पर ए रैली तहे समय ते शुरू नहीं हो सकी। इस रैली विच कपूरथला नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर वालों हाउस दे कौंसलरां नू नजरअंदाज़ कीते जाण तो गुस्से विच कांग्रेसी मेयर अते कौंसलरां ने कपूरथला नगर निगम कमिश्नर दा घिराओ कीता अते कमिश्नर दफ्तर दे बाहर करीब 2.5 घंटे बैठ के रोस प्रदर्शन कीता। इस धरने ते कांग्रेसियां दे विरोध नू देखदिया निगम कमिश्नर अनुपम कलेर नू अपनी गलती दा एहसास होण मगरों धरना समाप्त कर दिता गया। इस दौरान कपूरथला हलके दे विधायक राणा गुरजीत सिंह ने मोबाइल फोन राही धरने नू संबोधन कीता। दसण योग है कि स्वच्छ भारत मुहिम तहत सवेरे 9 बजे कपूरथला नगर निगम वालों शालामार बाग तो DC चौक तक कार रैली कढ़ी जानी सी, पर निगम दे मेयर, कांग्रेसी कौंसलरां ते आगुआं वल्लों हाउस कौंसलरां नू ना बुलाए जाण अते होर विकास मुद्दियां ते रोस प्रगट करदिआं निगम कमिश्नर दे दफ्तर दा घिराओ करके दफ्तर दे बाहर हंगामा कीता अते प्रशासन ते सरकार खिलाफ नारेबाजी कीती गई। धरने दी प्रधानगी कर रहे कांग्रेस दे शहरी प्रधान दीपक सलवान, मेयर कुलवंत कौर, डिप्टी मेयर विनोद सूद, सीनियर डिप्टी मेयर राहुल कुमार ने कहा कि निगम प्रशासन वल्लों मेयर अते हाउस दे कौंसलरां दी अणदेखी कीती जा रही है। इस दे नाल ही कांग्रेस दे कार्यकाल दौरान लगाए गए वाटर पंप भी चालू नहीं कीते गए अते होर कई विकास कार्यां नू अणगौलिया कर दिता गया, जिस कारण शहर वासियां नू पीण वाले पानी दी भी सही सहूलत नहीं मिल रही। कांग्रेसी आगुआं ने ए भी दोष लाया कि स्वच्छ भारत मुहिम दौरान कड्डी जाण वाली कार रैली संबंधी मेयर ते कौंसलरां नू कोई सद्दा नहीं दिता गया, जबकि इस दौरान जदों नगर निगम कमिश्नर वल्लों रैली दी शुरुआत करनी चाही तां कांग्रेसी आगुआं ते कौंसलरां ने उन्हां नू रोक दिता ते ओह मुड़ दफ्तर च आ के बैठ गए। इस तेज मींह कारण नगर निगम स्टाफ ते धरनाकारी पूरी तरह नाल पिज गए, जबकि कमिश्नर नू उन्हां स्टाफ वल्लों छतरी दा सहारा दिता गया। इस दौरान वरदे मींह च ही मीडिया सामने कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने मेयर नू प्रोग्राम बारे फोन कॉल राही सूचना दित्ती सी, जबकि डिप्टी मेयर विनोद सूद ने साफ इनकार कर दिता कि उन्होंने कोई सूचना नहीं मिली है। दूजे पासे निगम कमिश्नर दफ्तर दे बाहर करीब 2.5 घंटे तक चले धरने तो बाद निगम कमिश्नर अनुपम कलेर नू अपनी गलती दा एहसास होया अते सद्दा पत्र ना मिलन दा कारण कम्यूनिकेशन गैप दस्या। निगम कमिश्नर ने ए भी भरोसा दिता कि शहर दे पानी दे पंप 1.5 महीने दे अंदर अंदर सुचारू ढंग नाल चला दिते जाणगे। निगम च कर्मचारियां दी भर्ती प्रक्रिया विच तेजी ल्यांदी जावेगी ते होर समस्यावां नू भी हल कीता जावेगा, जिस तों बाद धरना समाप्त कर दित्ता। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆਵਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਘਰ ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ITC ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਚੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ।
शहर के पंजाब 46 कौंसलर जड़े आ कांग्रेस पार्टी के उन्होंने बिना दसे तो हूँ गल हो रही है कि जी मेयर साहब को फोन किया मैसेज किया मेयर साहब को कार्ड भेजे शहर के बाकी सारे कार्ड परसनली भेजे गए जबकि हाउस के पैसा तो आएगा हाउस छोड़ दो मीटिंग एकदम की आप जो म्यूनसिपल कारपोरेशन का बनया कौंसलर का बनया वा ग्रुप उस ग्रुप के पाया जा सकता है कि जी जल्दी प्रोग्राम रखा गया वा तुम इस मैंबर के सारे कौंसलर साहबान शामिल होवो तो अं अच्छे सारे शामिल ना होइए फिर सानू दसो मैसेज आया कि नहीं कोई मैसेज नहीं आया जो कोई भी इतने पिछले पुछो उन्होंने सिर्फ मेयर को कागज कार्ड भेजता और जो हाउस के किसी पार्टी के मैंबर ने साढ़े किसी एम सी भेजे नहीं मैंने आदि को सदा आया वा चलो फोन किए किसी ने भी कोई कमिश्नर साहब मैडम मैंबर जा सकते हैं मैनू हाले तक भी कोई कारपोरेशन कोई कहे मैडम पार्टी आई का फोन आया साडा पी ए मैडम का ओदा 7:30 बजे फोन आया कि सू साहब आप आना वा साढ़े हाथ पौने उस तो पहला हाउस के जिन्हें कौंसलर का ग्रुप ग्रुप के चलो मैंबर में पढ़ के तुम दिखाई ना लो ग्रुप के वेखो की आया वा कौंसलर का कि किन्नी शेम शेम की है कि फिटे मूँह ते ये जे कि बनने का भी की है तेरे वे आ लो मैं हूँ तुम ग्रुप भी दिखा चाहना कामयाब हो दी जाऊंगी देखो गल के मामला जड़ा वा अज सेंटर गवर्नमेंट वालों ओकेजन सीगा जड़ा स्वच्छता अभियान के तहत कपूरथले वालों भी एक प्रोग्राम लिखा गया सीगा पांच कमिश्नर साहब वालों कारपोरेशन वालों उहदे विच एम सी साहबाना हाउस के जोड़े चुने हुए नुमाइंदे उन्होंने कोई भी सुनेहा नहीं लगा कल मेयर साहब न शाम लगभग 7 बजे एक लैटर घर भेज दिता जाता कि सवेर न प्रोग्राम तो तुम एम एम सी साहबाना कन्वे कर दौ सो गल कि जदों पूरा दिन सगा समाज दिया समाजिक धार्मिक संस्थावान होर भी पोलीटल सोसायटिया पोलीटल पार्टियां सुनेहा दिता जा सकता तो कि चुने हुए नुमाइंदे जेडे कि इलैक्टेड हो के कपूरथले की आवाज़ में बुलंद करते कारपोरेशन क्यों उन्होंने इग्नोर किया गया सो इस गल की लड़ाई सी रोस कि किदे कहने ये चीज़ा हुई सो ये प्रोग्राम जोड़ा सेंटर गोरमेंट का वा ये बिल्कुल नाल सी कांग्रेस पार्टी भी और सारिया संस्थावान भी एन जी ओज भी बीते दिन सैनी स्कूल के कोल भी एक प्रोग्राम स्वच्छता अभियान का होया मान योग साढ़े मेयर साहब समुचे कौंसल साहबान डिप्टी मेयर साहब मेयर साहब सारिया ने रल के सारे ने सहयोग दे के उन्होंने कामयाब किया क्योंकि वह सांझा ओकेजन सगा इस ओकेजन में भी बड़े वधिया ढंग के नाल प्रस्तुत किया जा सकता एम सी साहबान अपने इलाकों के कोलों इदा के इंसानों जेडे कि समाज के नाल हमदर्दी रखते हैं उन्होंने नाल लैके समुचे तौर पर इकट्ठे होकर चलते एक सुनेहा पूरे कपूरथले नूं मिलदा तां जो सफाई दी स्वच्छता अभियान दे सेंटर गवर्नमेंट इन्ना पैसा ला रही आ उस नूं कामयाब किया जा सकता सीगा उहदे विच बड़ी नलैकी दी गल आ अनदेखी की गई आ कौंसल साहबाना दी और रोस सीगा कौंसल साहबाना दे विच सो कमिश्नर साहब ने बाहर आके ये गल महसूस की आ पब्लिकली इन्हां ने गल कही आ कि मैनूं सुनेहा देना चाहीदा सी कम्यूनीकेशन गैप दे करके कई कमियां रह गईआं दूजी गल आ कि उहनां कोलों असीं डैडलाइन लई आ पाणी दे जिहड़े पंप पिछले कांग्रेस सरकार दे वेले चले सीगे और अज पौने 2 साल हो गए आ किन्ने पंप चले आ 4 पंप चले आ और तुसी वार्ड नंबर 1 च जाके देख लो पंप का की हाल आ इसे तरह 17 वार्ड विच पंप लगा उत्थे देख लो किस तरह लीकेज आ उहदे वास्ते प्रीत नगर का पंप जिहड़ा लग्या वह देखो 37 नंबर का लगा जां जिहड़े भी पंप लगे आ
वह सुचारू ढंग के नाल चलते नहीं पे। सो मैडम को डेडलाइन ली है, उन्होंने सवा महीने का टाइम दिता वा कि पानी के सारे पंप चालू किए जाएंगे और जिन्ना गवर्नमेंट का पैसा उस टाइम का लगा हुआ वा, गवर्नमेंट का पैसा जनता का पैसा लगा हुआ वा, वह कितने यूटिलाइज हो रहा वा, उन्होंने कमिटमेंट की आ। दूजी गल आ सीवरेज जे चौक आते इन्होंने कहा वा कि स्पैशल एक टीम असी गठित करांगे। सो मेरा कपूरथला निवासियों हाथ जोड़ के बेनती आ कि अज तुहाडे सामने मीडिया के राही मैं संदेश देना चाहना कि इहदे विच जिम्मेवार प्रशासन होगा अगली टाइम, कि तुसी कौंसल साहबान नूं इह ना कहो कि वह काम नहीं करा रहे जदों की सरकार बदली होवे और प्रशासन के अफसर साहबान योगदान ना देन, कौंसल साहबाना का सहयोग ना देन। और देखो वार्ड दे विच सारे जिहड़े वार्ड के मैंबरस ने जिहड़े वार्ड के वोटर ने उन्होंने तो आके इत्थे अफसरां नूं नहीं कहना ना कि साडे समस्या वा पानी की, उन्हां दा चुनिया होया नुमाइंदा ही अपने वार्ड की आवाज बुलंद करूगा और जो आवाज सुनी नहीं जाऊगी अफसर साहब ध्यान नहीं देंगे। सो यह गल कित्थे लिखी आ, सो मैडम ने कमिटमेंट की आ कि पानी दे पंपां नूं सुचारू ढंग नाल कीता जाऊगा। सो इन्हां कमिटमेंट करके ही यह धरना यह जिहड़ा रोस धरना असीं बरखास्त कीता वा, साडे मेयर साहब ने पूरे योगदान दिता और उन्होंने दे कहन ते और साडे राणा जी नाल गल होण तों बाद प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान सहयोग अते एक कमिटमेंट करन तो बाद ही यह धरना चुकया गया वा। सो मेरी आम पब्लिक अगे हाथ जोड़ के बेनती आ कि साथियों मेरे सारे शहर वासियों कि पानी की जिहड़ी समस्या वा इहदा दोषी प्रशासन होगा ना कि कौंसलर होगा, क्योंकि कमिटमेंट पब्लिकली मीडिया सामने असी प्रशासन को लिती है। कोई रिटेन नहीं किया गया कमिश्नर साहब नू, धरना लगा पब्लिकली सारा मीडिया देखता पिया और बाहर लगा वा और मैडम ने आके बारे गल कही आ कि मैनू भी महसूस होया वा कि इदा नहीं होना चाहिए। सर आज दा देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा प्रोग्राम हैगा या और इनविटेशन दी गल करे इनविटेशन मेयर साहब नु असी लेटर लिखी हुई आ, मेयर साहब नु ये भी दस्या गया कि अपने सारे काउंसलर साहिबान नु नाल लेके प्रोग्राम च शामिल हो। ते पर ये कहंदे सानू सद्दा नहीं दित्ता गया, मेरे को मैं थोड़ा दिखा इनविटेशन गया हुआ, लैटर ही जाती, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं असी छपवाए, टेलीफोन गए आ ते लैटर गई है। विधायक नु भी इनविटेशन गया, विधायक साहब नु टेलीफोन गया है। बहुत सारे एनजीओज प्लस बहुत सारे कॉलेज स्कूल दे बच्चे इनवॉल्व है, प्रदर्शन करने की इतनी जरूरत नहीं सी क्योंकि कल दी मेरी इन्हां नाल गलबात चल रही है। सहमति बन के अगे रैली निकलूगी नहीं, मैनू लगता है कि ये बच्चों का या आम जनता का तो कोई कसूर नहीं, जो साडा कोई आपसी कोई गल हैगी तो असं बैठ के उन्होंने गल कर लवेंगे। ये कांग्रेस वाले कह रहे कि सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे उन्होंने बुलावा मिले सानू नहीं मिले, एक मिनट ऑल पार्टीज ऑल पॉलिटिशियन ऑल सैक्टर जिन्हें भी सरकार के हो प्राइवेट हो सारे सदा गया है, कोई एक पर्टिकुलर पोलीटिकल पार्टी नहीं किया गया। ए टू जेड समस्या दा समाधान मियां करीम खां, कॉल या व्हाट्सएप करो 99150-90403। किसी भी तरह का होवे काम 11 घंटिया च फटाफट 101% समाधान, गारंटी कार्ड दे नाल। काले इलम दी काट साडे कोल, पति पत्नी अते प्रेमी प्रेमिका वस च करवाओ, कीता कराया जादू टोना, मनचाया प्यार, वशीकरण मुठकरनी करवाओ या तुड़वाओ, नौकरी कारोबार च रुकावटां, सोतन दुश्मन तो छुटकारा, घर च खून दे छिट्टे आने, बच्चियां दा पढ़ाई च मन ना लगना, प्रेमी प्रेमिका दा 100% वशीकरण करवाओ, घर बैठे हर समस्या दा समाधान सिर्फ 11 घंटिया च।